पंजाब में आपका साफ स्वागत है। आज पंजाब से एक बार फिर बुरी खबर आई। पंजाब में बम धमाका हुआ। ब्लास्ट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी गूंज बहुत बड़ी है, क्योंकि पंजाब में एक के बाद एक इस तरह की वारदात हुई है। ऐसी वारदातें जिससे समाज में डर, नफरत और तनाव पैदा हो, माहौल खराब हो, लोग एक दूसरे पर शक करें और फिर देश विरोधी ताकतों को, देश के दुश्मनों को सिर उठाने का मौका मिले। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं जो पंजाब का माहौल, पंजाब के भाईचारे, पंजाब की शांति, पंजाब के अमन को बिगाड़ने की साजिश की तरफ इशारा करती हैं। आज लुधियाना के कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, एक शख्स की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए, सभी घायल खतरे से बाहर हैं। पंजाब सरकार का कहना है कि ऐसा लगता है कि जिस शख्स की धमाके से मौत हुई वही व्यक्ति बम लेकर आया था, सुसाइड बॉम्बर था। पंजाब सरकार भी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि साजिश कौन कर रहा है, इसके पीछे है कौन। पंजाब में एक बार फिर खूनी खेल शुरू हो, इसकी साजिश किसने की, और यह सवाल इस वक्त उठाना जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि पूरी ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि पंजाब में चुनाव सिर पर हैं, इसलिए कांग्रेस, अकाली, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, सारी पार्टियां पंजाब में होने वाली घटनाओं को सियासी नजरों से देख रही हैं, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बात सियासत से कहीं ज्यादा बड़ी है, इसलिए पंजाब पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पहले हरमंदिर साहब में बेअदबी की कोशिश, फिर कपूरथला की घटना और आज लुधियाना में बम विस्फोट, 5 दिन में तीसरी घटना। मुझे लगता है ये संयोग नहीं, प्रयोग है, और ये पता लगाना जरूरी है कि ये प्रयोग कौन कर रहा है, किस मकसद से कर रहा है। आज इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि आज लुधियाना में क्या हुआ, चश्मदीदों ने क्या कहा और पंजाब के नेता क्या कहते हैं, सरकार का क्या वर्जन है और पंजाब पुलिस को इस बम ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ लगता है। आज लुधियाना कोर्ट की दूसरी मंजिल पर दोपहर करीब 12:22 पर ब्लास्ट हुआ। बम वॉशरूम में फटा। धमाका इतना जबरदस्त था कि बाथरूम की दीवारें टूट गई। वॉशरूम के पास जो रिकॉर्ड रूम था वो भी पूरी तरह से टूट गया। हालांकि आज वकीलों की हड़ताल थी, लेकिन फिर भी कोर्ट में दूसरे काम हो रहे थे, जिसकी वजह से अदालत परिसर में काफी लोग थे। धमाका होते ही पूरे कोर्ट प्रमाइसेस में अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। पुलिस और प्रशासन के सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंचे। पूरे कोर्ट परिसर को सील कर दिया गया। जब पुलिस की टीम ब्लास्ट के स्पॉट पर पहुंची, यानी वॉशरूम में पहुंची, तो वहां एक शख्स की डेड बॉडी मिली, जबकि 4 से 5 लोग घायल पड़े थे। ब्लास्ट में किसी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था, ब्लास्ट की क्या इंटेंसिटी थी, ब्लास्ट किसने करवाया, इसका पता लगाने के लिए पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक टीम के अलावा एनएसजी की टीम भी वहां पहुंच गई है। मुझे ब्लास्ट के तुरंत बाद का एक वीडियो मिला है। यह वीडियो कोर्ट परिसर के बगल वाली बिल्डिंग में मौजूद किसी शख्स ने शूट किया है। आप देख सकते हैं कि धमाके के बाद कोर्ट में मौजूद लोग और वकील किस तरह भाग रहे हैं। ब्लास्ट की इंटेंसिटी का किसी को अंदाजा नहीं था, बस उन्होंने जोर का धमाका सुना और वहां से भागने लगे। इन लोगों को डर था कि कहीं और धमाके ना हो, इसलिए वो जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहते थे। बम वर्गा धमाका कोई होया, बहुत जबरदस्त, सेकंड फ्लोर ढह गई है, बाथरूम साइड, सारे वकील साहबान भी बम के डर तो बाहर कोर्टा चो चैंबरों चो आ गए ने। कई वकील साहब अपने घरों भी चले गए ने, चैंबरों लॉक ला के। बहुत तगड़ा ब्लास्ट होया कोर्ट के, लुधियाना कोर्ट के ब्लास्ट होया, बहुत तगड़ा ब्लास्ट होया। मैं वहाँ वारदात वाली जगह पे गया, बम ब्लास्ट वाली जगह में गया और नीचे आके सभी लोगों को नीचे लाके, और जब मैं ऊपर गया और मैंने देखा बाथरूम में बम ब्लास्ट में की जगह में, और मलबे के ऊपर एक कोई ऐसा लगता रहा था जैसे कोई फाइल है, जो पंड में की फाइलें हैं
अपार्टमेंट बनी, लेकिन वो फाइलें नहीं थी। वो जब मैंने हाथ से चेक किया उसके कपड़े उठा के, वो डेड बॉडी थी और डेड बॉडी अभी गर्म थी, और पुलिस प्रशासन वहाँ डेड बॉडी के नज़दीक नहीं जा रहा था। और अगर पुलिस प्रशासन वहाँ मलबे के नीचे नहीं थी डेड बॉडी, अगर पुलिस प्रशासन उसको उठा के जल्दी टाइमली अगर डॉक्टर के पास ले जाता, हॉस्पिटल ले जाता, शायद हमें कुछ वहाँ आदमी जीवित मिल जाता। ब्लास्ट एक्चुअली हुआ कहाँ पर था? प्रॉपर पर्टिकुलर बाथरूम में हुआ था? कहाँ? बाथरूम में हुआ, दूसरी मंजिल के 14 नंबर अदालत के सामने बाथरूम है, जेंट्स बाथरूम है, उसमें हुआ है। उसमें उसके साथ ही एक रिकॉर्ड रूम है, रिकॉर्ड रूम का भी मलबा गिरा हुआ है। ये चश्मदीद जिस डेड बॉडी की बात कर रहे थे, असल में पुलिस प्राथमिक तौर पर उसी व्यक्ति को ब्लास्ट का प्राइम सस्पेक्ट मान रही है। दरअसल इस ब्लास्ट में एक ही व्यक्ति की मौत हुई है और जिसकी जान गई ब्लास्ट में उसके चिथड़े हो गए। बॉडी पार्ट्स इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उसकी पहचान होना मुश्किल है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डेड बॉडी के आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे शव की पहचान हो पाए, इसलिए पुलिस बॉडी की पहचान के लिए DNA टेस्ट का सहारा लेगी। ब्लास्ट के तुरंत बाद मौके पर फायर ब्रिगेड, एंटी बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस की टीम पहुंच गई थी। पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था, लोगों को डर था कहीं कुछ और बम भी बिल्डिंग में ना हो, इसलिए पूरी बिल्डिंग को सर्च करके सैनिटाइज किया गया। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर भी मौके पर पहुंचने वालों में सबसे पहले थे। मौका वारदात मुआयना करने के बाद गुरप्रीत भुल्लर ने कहा, ब्लास्ट की साइट देखकर तो लगता है कि जिस शख्स की मौत हुई वही एक्सप्लोसिव लेकर आया था। एक जड़ा सस्पेक्ट है, जड़ा बंदा जिसकी बॉडी उत्थे मिली है उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और लग रहा है कि वो को इंपैक्ट सिगा या एक्सप्लोसिव का या बहुत नेड़े से या वो कैरी कर रहा सिगा। ये प्रिलिमिनरी गल है, इन्हू कोई कन्फर्म नहीं कह सकते। तो बाकी चार जो इंजर्ड है वो सारे आउट ऑफ डेंजर है, उन्होंने इमीजिएटली असी हॉस्पिटलाइज करवा दिता सी, दे आर ओके। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि हो सकता है ये धमाका उसी शख्स ने किया हो जिसकी ब्लास्ट में मौत हो गई, लेकिन पुलिस कमिश्नर साथ में ये भी कहते हैं ये सिर्फ अंदाजा है। अगर अंदाजा सही भी हो तो सवाल ये कि ब्लास्ट का मकसद क्या था? लुधियाना के कोर्ट को ही क्यों चुना गया? लुधियाना पंजाब की सबसे बड़ा कमर्शियल सिटी है और लुधियाना के हौजरी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस शहर में बम ब्लास्ट का एक मतलब पंजाब में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को सबोटेज करना भी हो सकता है। पहले अमृतसर में आस्था पर चोट, फिर लुधियाना में ब्लास्ट करके आर्थिक चोट, ये बड़ी साजिश लगती है। और यही बात पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने कही। जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त चन्नी चंडीगढ़ में अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे थे। ब्लास्ट की खबर मिलते ही चन्नी लुधियाना की तरफ निकल पड़े। चंडीगढ़ में चन्नी ने कहा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे देश विरोधी ताकतें इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही हैं, लेकिन उनकी सरकार दोषियों को छोड़ेगी नहीं। जिमें इलेक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकत वालों इस तरह दनौनिया हरकत कीतिया जा रही हैं, उदे वास्ते सरकार भी सुचेत है ते लोकां नूं भी सुचेत रहना चाहिए। ये जेड़ी जेड़ी बेअदबी दे कोशिश की गई नहीं सफल होए, हुण यह ब्लास्ट किया गया। ये सारिया चोणा के मद्देनज़र कुछ एजेंसियां वालों कोशिश की जा रही है, ऐसी किसी भी दोषी नूं बख्शांगे नहीं। जिस वक्त चन्नी चंडीगढ़ से निकल रहे थे उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा लुधियाना के कोर्ट में पहुंच चुके थे, उस परिसर में जहां ब्लास्ट हुआ था उस जगह का मुआयना कर चुके थे। रंधावा पंजाब के होम मिनिस्टर भी हैं। मौका वारदात का जायजा लेने के बाद रंधावा ने वही बात कही जो चंडीगढ़ में चन्नी ने कही थी। रंधावा ने साफ साफ कहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लास्ट के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। रंधावा ने कहा, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इसलिए हो सकता है कुछ लोग पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जी स्टेट है ये बॉर्डर स्टेट है, ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जो जड़ी कोई बाहर दी फोर्सेज ने उन्होंने भी ये कारा हो सकता, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि पंजाब जरा स्टेबल रहे, और ये पंजाब स्टेबल होंगे तो पूरा हिंदुस्तान स्टेबल है। इस अनस्टेबल करने की कोशिशा की जाएगी, चुनाव जोड़े आ रहे हैं
इस लिए मैं बाहरली फोर्सेज की गल की है कि पंजाब नूं अनस्टेबल करन दीआं इह कोशिशां कीतीआं जा रहीआं। अजे मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी चीज़ नूं रूल आउट नहीं किया जा सकता। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में गड़बड़ फैलाने की, खून खराबे की साजिश होती रहती है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स पंजाब में भेजे जाते हैं, फिर ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिराने की घटनाएं हुई। उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। अमरिंदर सिंह ने उस वक्त बार बार ये बात कही थी कि पंजाब में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। आज लुधियाना में ब्लास्ट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हैरानी नहीं हुई, उन्होंने दुख जताया। कैप्टन ने कहा कि पंजाब के खिलाफ साजिश हो रही है, पंजाब पुलिस को गहराई से इस मामले की जांच करनी चाहिए। लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बोले। केजरीवाल ने भी कहा कि जिस तरह से स्वर्ण मंदिर में बेदबी की कोशिश हुई और अब कोर्ट में ब्लास्ट किया गया, उससे साफ है कुछ लोग पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, पंजाब के लोगों को सावधान रहना होगा। अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पिछली बार उन्होंने मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, पर पंजाब के 3 करोड़ लोग एक मुट्ठी की तरह एक हैं। यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की किसी भी साजिश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। हमें एक साथ खड़े रहना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है। अब सवाल है कि साजिश कौन कर रहा है। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इशारा तो पाकिस्तान की तरफ था, सुसाइड बॉम्बर की बात की जा रही है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरी लाइन और लेंथ बदल दी। सिद्धू इस मसले को चुनावी सियासत पर ले आए। आपको याद होगा 4 महीने पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश हो रही है, पाकिस्तान पंजाब में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन पर पाकिस्तान का नाम लेकर अपनी नाकामी छुपाने का इल्जाम लगाया था। आज लुधियाना में ब्लास्ट के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली बात कही। सिद्धू ने इशारों में कहा, बाहरी ताकतें नहीं, पंजाब को देश के भीतर से इंस्टेबल करने की कोशिश हो रही है। पंजाब में गड़बड़ी पाकिस्तानी एजेंसीज नहीं, हमारी अपनी एजेंसियां कर रही हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलेआम इल्जाम लगाया, हो सकता है इलेक्शन में वोटों को पोलराइज करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया हो। सिद्धू ने कहा, यह काम उन एजेंसियों का हो सकता है जिन एजेंसियों को कठपुतली बना दिया गया है। ये एजेंसियां पंजाब के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बड़ी मंदभागी दुर्घटना हुई है, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विच हैज टेकन प्लेस। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जड़ी पंजाब दे विच सहम फैलाने के लिए की जा रही है। ये इलेक्शन के कोल आ गई क्यों होंदा है, ये 4.5 साल लंघन तो बाद ही क्यों होंदा है, ते एक खास कम्यूनिटी नू डराउण दे लई क्यों होंदा है, ते जड़े लोग पहला पंजाब नू वेचदे रहे और गिरवी रखदे रहे, अपनी जान बचाण नू पंजाब दे हक फिरका प्रस्त ताकतां नू दिंदे रहे। मैं उन्हां नू कहना चाहुंदा कि इस तरह सहम फैला के तुसी वोटां दी राजनीति दे लई पोलराइजेशन नहीं कर सकोगे, जिहड़ा पंजाब दे लई बहुत खतरनाक है। इहदे च पंजाब इनवॉल्व नहीं, इहदे च शक दे घेरे च एजेंसियां आउंदियां जिन्हां नू कठपुतली बना लिया, वड्डियां वड्डियां संस्थावां नू कठपुतली बना लिया, लोकतंत्र दा डंडा तंत्र बनाता, गुंडा तंत्र बनाता, और पंजाब की पंजाबीयत दे सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक नू पाड़न की कोशिश की जा रही है। पर मैं
यह दावे ना कह सकता पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान पंजाब चौदह गुरां दे नाम के ओ गुरां दी आवाज एक ही है अब्दुल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे। मजे की बात यह कि लुधियाना पहुंचते पहुंचते चीफ मिनिस्टर चन्नी के सुर भी बदल गए। चन्नी भी सियासी बातें कहने लगे उसी अंदाज में जैसे सिद्धू कह रहे थे। चन्नी और सिद्धू में फर्क इतना था कि सिद्धू ने पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की थी लेकिन चन्नी ने इशारों इशारों में अकाली दल पर उंगली उठा दी। चन्नी ने कहा जब से उन्होंने पंजाब में नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया है तभी से इस तरह की घटनाएं पड़ गई हैं। एक बंदे दी टोटल कुल जेड़ा है जेड़ा के लगता है कि वह बंब नूं ही ऑपरेट कर रहा सी उसकी ही डैथ हुई है। उस तो अलावा पांच जने इंजर्ड है जिन्हां नूं कोई सीरियस इंजरी नहीं है वो खतरे तो बाहर है तो उम्मीद है कि अज या कल अपने घर चले जाने। कई बार इदा लगता कि शायद ये पोलिटिकल गल करते हैं लेकिन जिस दिन के असी नशे के पिछे पए हैं उस दिन दिदा दटनावान सामने आ रही हैं। हरिमंदर साहब के भी एक घटना हुई है उस तो बाद कपूरथला के हुई है जी कि किसी तरह भी बेअदबी नहीं सी ते आ भी घटना क्योंकि अज मोहाली कोर्ट के केस सी इत्थे कोर्ट के घटना हो गई है। एक किस एंगल दे नाल है या तो इस पास है या आने वाली चोणों के नाल कोई एजेंसियां पंजाब की अर्थव्यवस्था भंग करके डरा के वोटा लेनिया चाहुंदियां पंजाब दियां ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀ और इसके बाद बीजेपी पर इल्जाम लगाया। चन्नी ने तो ड्रग माफिया की बात की थी और ब्लास्ट के लिए अकाली दल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी लेकिन सिद्धू ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया। सिद्धू ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव से ठीक पहले इसी तरह की घटनाएं हुई थी और अब वही ताकतें पंजाब में भी लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश में लगी हैं। मेरा सवाल यह है कि पौने पांच साल सब कुछ ठीक था और यह सेम प्रक्रिया बंगाल में भी हुई। यह पौने पांच साल ठीक था और यकायक जब एक दो महीने रह जाते हैं तो अ सीरीज ऑफ इवेंट्स बेअदबी फिर बेअदबी लोग पहरेदार बने और अब ये जघन्य अपराध ये डिविसिव राजनीति जो है ये तोड़ने की राजनीति कभी भी लोगों के मन में घर नहीं कर पाएगी। आपने देखा चन्नी सुबह कुछ और कह रहे थे शाम को कुछ और कहने लगे। सिद्धू सुबह इशारों में बात कर रहे थे और शाम को साफ साफ बोलने लगे। चन्नी अकाली दल की तरफ उंगली उठा रहे हैं लेकिन सिद्धू बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन अकाली दल तीसरी बात कह रहा है। अकाली दल ने पंजाब में ब्लास्ट को कांग्रेस और बीजेपी दोनों की साजिश बताया। पंजाब के सबसे सीनियर लीडर प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुखबीर ने सीधे सीधे पंजाब सरकार और केंद्र सरकार का नाम लिया। सुखबीर का अपना अलग तर्क है। उनका कहना है कि पंजाब में इस वक्त सियासी माहौल अकाली दल के पक्ष में है और इससे परेशान कांग्रेस अब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है। कांग्रेस दी है सारे धर्मां नूं लड़ाउणा लड़ा के पोलराइज करना ओही सोच नाल ही काम हुंदे आ। जिवें हुण मंदरां ते भी तुसीं देखिया होणा बेअदबी मंदरां च भी होए है। असीं स्ट्रोंगली कंडेम करदे हां जिहड़ी पिछले दो दिनां च मंदर ते भी बेअदबी होई है। इकदम क्यों हो रही है? पिछली बार इलैक्शन च भी होया बेनीफिट कांग्रेस ने लिता हुण उन्होंने देखिया कि श्रोमणी अकाली दल की हवा चल पी है तो फिर तो वह माहौल बन लग गया। सो आई एम वेरी क्लीयर कि ये पिछे जो इन्वेस्टिगेशन सही होगी कांग्रेस की सरकार का पक्का हाथ निकलूगा इन्हों बंदियां का पक्का हाथ निकलूगा। इन्ने साल कोई बॉम्बर आया नहीं सुसाइड एकदम इलेक्शन आ गए बॉम्बर भी सुसाइड बॉम्ब भी हो गया। आ सारिया
एजेंसियां दा काम है पंजाब बॉर्डर स्टेट नूं डिस्टर्ब करना, वह देख रहे हैं पोलराइज करना। श्रोमणी अकाली दल की हवा देख देख के उन्हें देखा कि सारे लोग श्रोमणी अकाली दल ना कट्ठे जुड़ रहे हैं कि हुण पोलराइजेशन की जाए, एज दहशत का माहौल क्रिएट किया जाए कि ऐ लगे कि एक हर बंदा इनसिक्योर फील करे, जड़ी सोच इन्हां दी सेंटर दी ते पंजाब दी सरकारां दी है। सारी पार्टियों के नेता सिर्फ चुनाव की तरफ देख रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, और कौन कर रहा है ये अब तक पता नहीं है। राजनीतिक दलों के अपने अपने अंदाजे हैं और सबके अंदाजे अपनी अपनी सियासत के मुताबिक हैं, और ये कोई पहली घटना तो है नहीं। अमृतसर में सिखों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र हरिमंदर साहब में बेअदबी की घटना हुई, फिर कपूरथला में लिंचिंग की घटना हुई, पंजाब सरकार ने SIT बनाई, 48 घंटे में जांच रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन अब तो 48 घंटे से बहुत ज्यादा हो गया, जांच रिपोर्ट नहीं आई है। अब तक यह पता नहीं लगा कि सिख भाइयों की आत्मा पर, उनकी आस्था पर चोट करने की साजिश किसने की। और आज लुधियाना में बम ब्लास्ट हुआ, तब भी सरकार कह रही है कि जांच होगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अमरिंदर सिंह कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था सिद्धू का दोस्त पाकिस्तान गड़बड़ करेगा और चन्नी संभाल नहीं पाएगा। सिद्धू कहते हैं, यह हमारी अपनी एजेंसियों का काम है, मतलब BJP वोटों के लिए धमाके कराती है, जैसे बंगाल में कराए थे। चन्नी ने ड्रग माफिया को जिम्मेदार ठहराया, उनका मतलब है इसके पीछे अकालियों का हाथ है। सुखबीर बादल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार बताया, यानी चंदी भी कसूरवार हैं और दिल्ली की एजेंसियां भी। आपने देखा सब अपने अपने हिसाब से बयानबाजी करने में लगे हैं। ये सही है, पंजाब में चुनावी माहौल है, चुनाव में गड़बड़ी की आशंका पहले से है, साजिश हो सकती है, हो रही है, लेकिन मुश्किल यह कि जिन लोगों पर साजिश को नाकाम करने की जिम्मेदारी है, जिन लोगों पर दुश्मनों को पहचानने की, उनका पता लगाने की, उन्हें सजा देने की जिम्मेदारी है, जिन लोगों से जवाब मिलने की उम्मीद है, वो सारे लोग आज सवाल पूछ रहे हैं। यूपी में भी सियासी माहौल गर्म है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ माता की बात करके सियासी गर्मी और बढ़ा दी। मोदी ने कहा, देश में कुछ लोगों के लिए गाय का नाम लेना गुनाह हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो गौ माता है, गाय हमारे लिए पूज्य है। असल में मोदी ने आज वाराणसी में बनारस डेयरी की आधारशिला रखी। इसके साथ साथ मोदी ने बनारस में एक बड़े बायोगैस प्लांट का भी शिला पूजन किया, बनारस के लिए दूसरी 2100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर मोदी ने गाय और गरीब का रिश्ता बताया, गाय किस तरह से किसान का धन है, किस तरह से हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इस पर विस्तार से बात की। चूंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है, इसलिए मोदी ने भाषण की शुरुआत चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देकर की। मोदी ने कहा, पिछले कुछ सालों में देश में कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया जिसमें गाय का नाम लेना गुनाह लगने लगा, लेकिन गाय वैदिक काल से हमारे जीवन का हिस्सा है, गाय वैभव का प्रतीक है, गाय सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, गाय गांव की धुरी है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी पूज्य है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है, मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। एक जमाना था जब हमारे गांवों के घर आंगन में मवेशियों के झुंड ही
संपन्नता की पहचान थे। और हमारे यहां तो कहा भी जाता था, हर कोई इसे पशुधन कहता है, किसके दरवाजे पर कितने खूंटे हैं इसको लेकर स्पर्धा रहती थी। हमारे शास्त्रों में भी कामना की गई है, गांवों में सर्वतः चैव गवाम मध्य वसाम्य हम, यानी गायें मेरे चारों ओर रहे और मैं गायों के बीच निवास करूं। नरेंद्र मोदी ने गाय की बात की, गाय को पूज्य कहा, गाय को माता बताया, और यह सब कोई उन्होंने पहली बार नहीं कहा है। लेकिन चूंकि यूपी में इलेक्शन है, बात वाराणसी में कही गई, इसलिए इसे चुनावी बात कहा जाएगा। हालांकि यह बात सही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ पालन को बढ़ावा देने और डेयरी सेक्टर को मदद करने के लिए काफी काम किया है। इस वक्त दूध के उत्पादन में हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दुनिया में कुल जितना मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 22% अकेले हमारे देश में होता है। इस वक्त हमारे देश में 8.5 लाख करोड़ के मिल्क का प्रोडक्शन होता है, 8.5 लाख करोड़ रुपए। यानी साल में जितनी राशि का गेहूं और चावल पैदा नहीं होता उससे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। इसीलिए मोदी ने कहा गाय हर लिहाज से फायदेमंद है। गाय का सिर्फ दूध ही नहीं, गोबर भी बिकता है। अब गोबर गैस प्लांट बनेंगे जो किसानों से गोबर खरीदेंगे, बदले में किसानों को सस्ती खाद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने किसानों से कहा कि सरकार किसानों को सस्ते गोबर की खाद देगी। बस किसान भाइयों से उम्मीद है कि वो खेती में केमिकल का इस्तेमाल ना करें, यूरिया और डीएपी के बजाय गोबर और केंचुओं की खाद डालें। इससे बेहतर क्वालिटी का अनाज पैदा होगा, उसकी बेहतर कीमत मिलेगी और जमीन की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। धरती मां के कायाकल्प के लिए, हमारी मिट्टी की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें एक बार फिर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना ही होगा। यही आज समय की मांग है और इसलिए अब सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा अभियान भी चला रही है। और आज जब हम आजादी के 75 साल, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब मैं देशवासियों से, खास करके मेरे किसान भाइयों बहनों से, विशेषकर मेरे छोटे किसानों को आज किसान दिवस पर आग्रह करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें। प्राकृतिक खेती खर्च भी कम होता है, उत्पाद भी बढ़ता है, ये खेती का सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सुरक्षित तरीका है। और आज के विश्व में प्राकृतिक खेती से पैदा हुई फसलों की कीमत भी बहुत ज्यादा है। ये हमारे कृषि सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। नेचुरल खेती के बारे में लोगों को बताने के बाद मोदी विरोधी दलों पर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गाय गोबर और ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो बातें उन्होंने किसान भाइयों से कही हैं, वो बातें विपक्ष को समझ नहीं आएंगी क्योंकि विरोधी दलों को विकास का एजेंडा पसंद नहीं है। मैं जब काशी के, उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की, डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं
जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों जमीनों पर अवैध कब्जा। हम यूपी में विरासत को भी बढ़ा रहे हैं, यूपी का विकास भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपना स्वार्थ सोचने वाले इन लोगों को यूपी का विकास पसंद नहीं आ रहा कि इन लोगों को पूर्वांचल के विकास से, बाबा के काम से, विश्वनाथ धाम के काम से भी आपत्ति होने लगी है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों से बात की जिन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है। प्रधानमंत्री उन महिलाओं से मिले जिन्हें सरकार की तरफ से घर मिला। मोदी उन नौजवानों से मिले जिन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से हेल्प मिली। मोदी ने इन लोगों से सरकारी सवाल नहीं पूछे, ऐसी बातें पूछी जिनके जवाब आमतौर पर अफसरों से नहीं मिलते, ऐसे सवाल जो कोई नेता जनता से सीधे नहीं पूछता। नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों से पूछा कि उन्हें रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, उनके साथ जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर या फिर किसी और तरह का भेदभाव तो नहीं हुआ। हमारे पहले सर बहुत दुखद बात है कि हमारे पास झोपड़ी थी, झोपड़ी में लेके बच्चों को पानी जब बरसता था तो इधर भीगते उधर भीगते थे और धूप छांव का भी परेशानी रहती थी। अब जब हमें पता चला तो हम आवास डीडा ऑफिस से भरे और जब हमारे यहाँ आवास बन गया, घर पक्का मकान बन गया, हमारे परिवार अब अच्छे से जी। कितने पैसे मिले सरकार की तरफ से आपको? सर 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए मिला जी। और आप ठीक से मकान बनाया? जी पूरा। कुछ पैसा बचाया कि थोड़ा जोड़ना पड़ा? सर थोड़ा जोड़ना पड़ा। हाँ। जोड़ के उसमें और अच्छे से बना के बिजली पानी व्यवस्था सब कर लिए सर। सब हो गया सर? सर गैस भी मिल गया? सर गैस भी मिल गया। बिजली भी मिल गया? बिजली भी मिल गया। पानी भी मिल गया? जी। अब बच्चों को पढ़ाते हैं? सर बच्चों को पढ़ाते। जो मेरे पास पैसा नहीं था तो सरकार की तरफ से मदद मिली और हम घर बना लिया और इस समय अपने बच्चों को उसी पैसे बचा करके थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा सफाई का कैसे करते हैं? सफाई का कुछ घर में से निकाल के बाहर फेंकते हैं कि कहीं और करते हैं? सर कूड़ादान वो आते हैं, सब लोग सफाई वाले आते हैं। हाँ। सफाई करने लोग आते हैं, बटोर के एक कूड़ेदान रखा रहता है उसी में कूड़ा डालते हैं और ट्राली वाले आकर के ले जाते हैं। सर किसी को पैसा देना पड़ा सर? नहीं नहीं किसी को पैसा देना, रिश्वत नहीं देनी पड़ी? नहीं नहीं सर। किसी की सिफारिश लगानी पड़ी सर? नहीं हम लोग खुद। किसी को ये कहना पड़ा मैं ये जात वाला हूँ, मैं वो जात वाला हूँ? नहीं सर, इसमें मेरा जात होगा तो पैसा मिलेगा, वो जात होगा तो नहीं मिलेगा? नहीं नहीं सर, ये जात पात की कोई भेदभाव नहीं रहती है सर, सब अच्छे अच्छे से हम लोग को मिल गया और इस समय हम थोड़ा ये टेंशन हमको एक भी हो गया। कहीं हिंदू मुसलमान का भेद करते हैं क्या? नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, कोई भेद नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति का भेद करते हैं क्या? नहीं सर कोई। अगड़े हैं, पिछड़े हैं? नहीं सर। दलित हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं सर, पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा हो गया, नहीं कोई जात पात की भेदभाव होती है, हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं सर। बैंक से पैसा मिला? सर बैंक से मुझे 10,000 रुपया मैंने लोन लिया था जिसको मैंने कोविड के बाद मैंने पूरा समाप्त कर दिया और फिर उसके बाद मैंने 20,000 का लोन लिया और उसको मैंने और अपने धंधे को बिजनेस में लगाया और QR कोड द्वारा मैं लोगों से पेमेंट करने के लिए कहता हूँ और खुद करता भी हूँ। नरेंद्र मोदी ने एक अच्छे टीवी एंकर की तरह महिलाओं से तीखे सवाल पूछे, सिर्फ ये सुनकर संतोष नहीं कर लिया कि उन्हें सरकारी योजनाओं से गैस मिली, मकान मिले, बिजली मिली, फायदा हुआ, बल्कि साफ साफ पूछा
इसके लिए रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी? क्या जाति का, धर्म का भेदभाव तो नहीं हुआ? हम सब लोग समझते हैं कि यूपी में योगी की सरकार है तो हिंदू और मुसलमान में फर्क होता होगा, जाति के आधार पर सड़क मकान मिलने में, बिजली मिलने में, पानी मिलने में फर्क होता होगा। लेकिन मोदी ने इनके जवाब ले लिए। पहले लोग ये मानकर चलते थे कि सरकार से कुछ मिलेगा तो उसके लिए कुछ दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, कभी पटवारी को, कहीं अफसर को, तो कभी बैंक वालों को। लेकिन लोगों की बातें सुनकर लगा अब सरकारी पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंचता है। मोदी ने सिस्टम बदल दिया है, गरीब आदमी का काम बिना रिश्वत के होने लगा है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। किसान दिवस पर मोदी ने किसानों की बात की, लेकिन विरोधी दलों ने चौधरी चरण सिंह के नाम पर सियासत भी की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया है। आज अलीगढ़ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ज्वाइंट रैली होनी थी, लेकिन अखिलेश यादव पहुंच नहीं पाए। अखिलेश ने ट्विटर के जरिए लोगों को बताया क्योंकि उनकी वाइफ और बेटी कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि उनकी खुद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियातन वो 3 दिन तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहेंगे। इसलिए आज अलीगढ़ में जयंत चौधरी को अकेले ही पब्लिक मीटिंग करनी पड़ी। इस रैली में जयंत चौधरी ने तमाम तरह के चुनावी वादे किए, जैसे अगर उनके इलाज की सरकार बनी तो किसानों को 6,000 के बजाय 12,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, उनकी सरकार बनी तो 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे देंगे, किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवारों को 1-1 करोड़ की मदद देंगे। इस तरह के तमाम वादे करने के बाद जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर बीजेपी पर हमला किया। कहा बीजेपी ने चौधरी साहब का सम्मान नहीं किया, चौधरी साहब को भारत रत्न नहीं दिया, चौधरी चरण सिंह के नाम पर एक भी योजना नहीं चलाई। आज लखनऊ से माननीय अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उन्होंने मांग की है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्या आप सहमत हो? सहमत हो तो हाथ उठा के बताओ सहमत हो। आज रात को लखनऊ में योगी बाबा को और दिल्ली में मोदी जी को नींद नहीं आने वाली। इन लोगों ने चौधरी साहब को सम्मान नहीं दिया, इन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों को तरह तरह के झूठे वादे किए थे। 2017 के चुनाव में अमित शाह जी आए थे और उन्होंने एक घोषणा की थी कि हम किसानों के हित के लिए, किसानों के विकास के लिए एक नया कोष स्थापित करेंगे और चौधरी चरण सिंह सम्मान योजना बनाएंगे और जितने करोड़ चाहिए, 1,000 करोड़ चाहिए, 1,500 करोड़ चाहिए, 15,000 करोड़ चाहिए, हम देंगे। कहां है वो योजना? हमेशा जी दूरबीन लगा के देखिए, दूरबीन। चौधरी चरण सिंह के नाम पे आपने एक योजना बनाई हो तो बताइए। पिछली सरकारों में और मोदी सरकार में दूसरी पार्टियों के नेताओं की सोच में और नरेंद्र मोदी की सोच में यही बुनियादी फर्क है। दूसरी पार्टियों के लोग सोचते हैं कि उनकी पार्टी के नेताओं को, उनके परिवार वालों को पुरस्कार दिए जाएं, भारत रत्न दिया जाए, पद्म विभूषण दिया जाए, या फिर सरकारी एयरपोर्ट, स्टेशन या सरकारी संस्थाओं के नाम उनके परिवार वालों के नाम पर रखे जाएं, सरकारी योजनाओं का नाम नेताओं के नाम पर हो। लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच थोड़ी अलग है। वो चाहते हैं जो बड़े नेता हुए हैं उनके नाम पर योजना चलाने के बजाय उन नेताओं द्वारा सुझाई गई योजनाएं बनाई जाएं। चौधरी चरण सिंह चाहते थे किसानों का जीवन स्तर सुधरे, किसानों की आमदनी बढ़े, खेती को फायदे का सौदा बनाया जाए, और नरेंद्र मोदी ने दिशा में काफी काम किया है। जयंत चौधरी या दूसरे लोग चुनावी राजनीति के तहत कुछ भी कहें, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी किसानों के लिए जो कर रहे हैं वही चौधरी चरण सिंह को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वैसे मैं कहूंगा अखिलेश यादव ने आज रैली में ना आकर एक अच्छा काम किया, एक अच्छा मैसेज दिया। कोरोना के खतरे को देखते हुए 3 दिन तक खुद को आइसोलेट करने का उनका फैसला समझदारी भरा है।
इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से कोरोना की तीसरी लहर की वजह से चुनाव को टालने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त यूपी में चुनावी रैलियों में रोक के लिए बड़े कदम उठाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियां रैलियों में भीड़ लगाने पर रोक लगाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की चिंता जायज है। देश में कोरोना के केसेस अब फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 3 दिन से रोज 1,000 केसेस बढ़ रहे हैं। कल 6,300 नए केस सामने आए थे, आज 7,500 से ज्यादा नए केसेस मिले। और चूंकि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा है, जो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना तेजी से फैलता है, इसलिए सरकारों ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्यों में पाबंदियां लगने लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना के खतरे को देखते हुए रिव्यू मीटिंग की। प्रधानमंत्री राज्यों से कहा कि इन्फेक्शन रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो। फिलहाल ज्यादा खतरा दिल्ली, मुंबई और राजस्थान में दिखाई दे रहा है। यहां पिछले 1 हफ्ते से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 64 केसेस कंफर्म हो चुके हैं। आज मुंबई में 65 दिन बाद 600 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। वहीं मध्य प्रदेश में फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। गुजरात ने भी 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। अब राज्य सरकारें हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ा रही हैं, ऑक्सीजन प्लांट चेक किए जा रहे हैं, दवाओं का इंतजाम हो रहा है, लेकिन मुश्किल है कि आम लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। आज अजमेर से हैरान करने वाली खबर आई। अफ्रीकी देश घाना से अजमेर पहुंचे एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट कई दिन पहले पॉजिटिव आई थी, लेकिन वो शख्स घूमता रहा। उसके परिवार वालों ने हेल्थ डिपार्टमेंट टीम को झूठ बोल दिया और अब पता चला है कि वो शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार हुआ है। यह शख्स 16 दिसंबर को घाना से दिल्ली आया। दिल्ली में उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, फिर भी वो टैक्सी लेकर दिल्ली से अजमेर चला गया। इतना लंबा सफर था, रास्ते में वो कई जगह रुका, कई लोगों के कॉन्टेक्ट में आया, लेकिन उसने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। अजमेर पहुंचकर इस व्यक्ति ने अपने घर में भी किसी को नहीं बताया कि वो कोविड पॉजिटिव है। परिवार के साथ आराम से रहने लगा। जब जीनोम सिक्वेंसिंग से यह पता चला कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड है, तो इस आदमी की दिल्ली से अजमेर तक तलाश शुरू हुई। दिल्ली से अजमेर के हेल्थ ऑफिशियल्स को फोन किया गया। इस आदमी ने इतनी लापरवाही बरती थी कि न अपना फोन नंबर सही दिया था और न ही घर का पता बताया था। किसी तरह से फोन नंबर का पता लगाकर अफसरों ने कॉल किया तो पहले उसने फोन नहीं उठाया। बाद में इस शख्स के भाई ने फोन पर हेल्थ डिपार्टमेंट अफसरों से झूठ बोल दिया कि उसका भाई तो कोविड नेगेटिव था और अगले दिन अफ्रीका वापस चला गया। लेकिन जब हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम अजमेर में उसके घर पहुंची तो व्यक्ति घर पर मिला। तब भी घर के लोग कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। हेल्थ ऑफिशियल्स को बड़ी मिन्नत करनी पड़ी। अब इस व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आए हर एक इंसान को ट्रेस किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन बंद रहते दिन में 2-3-4 घंटे। और मम्मी तो दुकान पे बैठती है। प्लीज कोऑपरेट। और दूध वाले का नाम बताओ। दूध वाले का नाम नहीं पता। नाम नहीं पता। मोबाइल नंबर बताओ दूध वाले के। ये अकेला केस कितना बड़ा संदेश देता है। आप सोचिए, कोविड पॉजिटिव होने के बाद ये व्यक्ति कितने लोगों के कांटेक्ट में आया होगा। दिल्ली से लेकर अजमेर तक ट्रेवल किया, फिर अजमेर में इसने अपने परिवार को भी खतरे में डाल दिया। अपने बारे में सही इंफॉर्मेशन दे देकर इस आदमी ने दिल्ली से अजमेर तक कितने लोगों को मुश्किल में डाला होगा। कल जब उनकी रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई तब हमें पता चला कि ये ऐसे व्यक्ति यहाँ पे रह रहे हैं और वो अपने घर पर ही थे। और इन्होंने जो अपने पासपोर्ट में और जो मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखा हुआ था वो आशागंज का लिखा था और आशागंज डिस्पेंसरी
ने भी इनको संपर्क किया था, लेकिन ना ही उस एड्रेस पर, उस पते पर कोई मिला और ना ही वो जो फ़ोन नंबर था वो उनका रिसीव किया गया। फिर बाद में कॉन्टैक्ट किया गया तो उनके ब्रदर ने फ़ोन उठाया था, उन्होंने कहा कि वो तो नेगेटिव थे और वो चले गए, उनकी वो वापस दूसरे दिन ही अफ्रीका चले गए। और उन्होंने सभी जानकारी जो प्रोवाइड उस समय भी कराई थी वो गलत कराई। ये शख्स ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड था, कोविड पॉजिटिव था, तो भी घर के बाहर घूम फिर रहा था, लोगों से मिलता रहा, उसके फैमिली मेंबर्स उसके क्लोज कांटेक्ट में आए, ये सब लोग भी बाहर निकले, पास पड़ोस के लोगों के संपर्क में आए। इस व्यक्ति की माँ स्कूल टीचर है, रोज स्कूल में पढ़ाने जाती रही। टेंशन इसलिए और भी है क्योंकि न तो इस व्यक्ति ने वैक्सीन लगवाई है और न ही इसके किसी फैमिली मेंबर को कोविड की वैक्सीन लगी है। इसी वजह से अब पूरा मोहल्ला परेशान है, सबका कोविड टेस्ट किया जा रहा है, सबके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। इनका छोटा वाला बेटा घाना से आया था साउथ अफ्रीका से 16 दिसंबर को, वहाँ से उसको शायद नेगेटिव रिपोर्ट मिली होगी, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी शायद नेगेटिव रिपोर्ट बताई इसने बंदे ने, फिर यहाँ पे आ गया। घर में क्वारंटाइन है लेकिन उसके बाद इसके ओमिक्रॉन से पॉजिटिव हो गया है। घर में किसी को बताया नहीं, मोहल्ले में सब घूम रहे हैं, इसकी मदर स्कूल भी जाती है, बच्चों को पढ़ाने जा रही है, ये खुद भी मोहल्ले में सब जगह घूम रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बताया। कल रात को हम लोगों को पता पड़ा जो मेडिकल टीम आई यहाँ पे, एक्चुअली मेडिकल टीम को भी वहाँ से दिल्ली से कोई मैसेज आया होगा भाई कि आपके वहाँ पे अजमेर में एक ओमिक्रॉन से पॉजिटिव आया है, एड्रेस वेड्रेस लेकर के यहाँ तक पहुँचे। इन लोगों ने एड्रेस भी गलत लिखा रखा था, चंद्र वहाँ का लिखा रखा था आशागंज का, तो मेडिकल टीम को जैसे 5 दिन 4 दिन पहले पता पड़ा होगा तो वहाँ तक जाके आए वो आशागंज तक, लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं। फिर किसी से स्टोरी निकाली तो पता पड़ा कि भाई वो तो वहाँ चले गए रहने के लिए, तो मेडिकल टीम यहाँ पे आई कल, तब इसको लेकर गई है, फिर इसको क्वारंटाइन किया। इन लोगों ने कोई वैक्सीनेट नहीं कराया, किसी को वैक्सीन नहीं, घर में 5 कैंडिडेट है, किसी ने कुछ नहीं करवाया अभी। जरा सोचिए, सरकार मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है, कोविड टेस्ट के लिए कैंप लगा रही है, हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उनके इलाज की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की इंतजाम किए जा रहे हैं। अब सरकारी अफसर इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, हेल्थ वर्कर्स और क्या कर सकते हैं? अगर लोग कोरोना के रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात अपने परिवार वालों से छुपाएंगे, अपने मोहल्ले वालों से छुपाएंगे, तो फिर कोरोना से कौन बचा सकता है? चीन से एक बार फिर बुरी खबर आई है, यहां पर कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नौबत ही आ गई है कि चीन में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। चाइना में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, उससे पहले कहीं कोविड इन्फेक्शन ना बढ़ जाए, दुनिया में चीन की बदनामी ना हो, इसलिए चीन ने पूरे के पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया है। शियान नाम के इस शहर की आबादी करीब 1,30,00,000 है। 2019 में जब वुहान में कोरोना वायरस मिला था तो चाइना ने वुहान को 11 महीने तक लॉकडाउन में रखा था, इसलिए अब पूरे शियान शहर को लॉक करने के बाद लोग डरे हुए हैं, उन्हें लंबे लॉकडाउन का डर सता रहा है। कोई नहीं चाहता इस तरह के हालात हमारे देश में हो, फिर से लॉकडाउन की नौबत आए, इसलिए अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो तुरंत लगवा लीजिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, बाहर निकलें, भीड़ में जाएं तो मास्क जरूर पहनिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।